इंडिया पर आतंकी हमला हो और कोई तरीका काम ना आए, तब आखिरी उम्मीद के नाते बुलाया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि वो जानते हैं वो ही है जो उस पर काबू पा सकते हैं, हवा में, जमीन पर या पानी में, हर जगह बचा सकते हैं। ये साख हासिल की है कीमत चुकाकर खून और बलिदान की। ये हैं कमांडोज जो आते हैं इंडिया की अलग अलग फोर्सेस से, पुलिस से, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस से और आर्मी से। ये हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसजी कैंपस से निकले हैं इंडिया के कुछ सबसे शानदार हीरोज, ब्लैक कैट कमांडोज, जिन्होंने लोहा लिया आतंक से देश भर में जंग के कई मैदानों में। इनमें से लोगों की याद में शायद सबसे अहम है 26/11 और एनएसजी के कमांडोज का उसमें दिया अपना बलिदान। उनकी विरासत को एनएसजी ने आज तक सहेजा हुआ है। ये सोफा जिसे मुंबई के उस ताज होटल से लाया गया था जहां हुई थी 26/11 की सबसे खतरनाक जंग। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में नए नए आए प्रसन्नजीत तोमर खामोश खड़े हैं उस जंग की गोलियों से छलनी यादगार के सामने। एक एनएसजी कमांडो के नाते उनका पहला दिन शुरू होता है इसी सोफे पर। उन्हें याद आती हैं वो घटनाएं और अपने कमांडिंग ऑफिसर के शब्द। जिस जगह आप बैठे हैं इसे हम कहते हैं क्रेडल ऑफ सेक्रीफाइस। जब आप यहाँ बैठे हैं आपको ये समझना चाहिए कि आप एक लेगेसी को गार्ड कर रहे हैं। लेकिन ब्लैक कैट कमांडो बनना कमजोर दिल वालों का काम नहीं है। कमांडो एनएसजी उनके कमांडोज को उनकी हदों तक ले जाता है, इंसानी ताकत की हदों के बाहर। उनके सबसे जबरदस्त खौफ से भी आगे एनएसजी के ये ट्रेनिंग ग्राउंड्स जवानों को घातक हथियार बना देते हैं। ये जगह है जहां वो सीखते हैं कैसे लड़ना है और जीतना है। ये जो जयपुर हाईवे है ना, उस साइड से लेना। जयपुर हाईवे से वो गेट नंबर 1 है ना, वहीं आएगा। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड साल में 3 बार नए कमांडोज के लिए ट्रायल कंडक्ट करता है। प्रसन्नजीत तोमर चुने जाने की उम्मीद से आने वाले कई जवानों में से एक हैं। मैं इस समय एनएसजी के ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करने जा रहा हूँ जहाँ पर मेरा 3 महीने का प्रोबेशन शुरू होगा। ये तभी होगा जब वो 12 हफ्ते का कमांडो कन्वर्जन कोर्स पूरा कर लेंगे, फिर आगे 6 हफ्ते का यूनिट इंडक्शन होगा। इसके बाद वो एनएसजी की ब्लैक यूनिफॉर्म हासिल कर पाएंगे। मैं अलीगढ़ से हूँ जहाँ मैं पला बढ़ा और पढ़ाई भी वहीं से की। पढ़ाई के लिहाज से मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैंने ये कोर्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है। एनएसजी अपनी मैन पावर पुलिस, आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस से लेता है।
इसमें आने की उम्मीद पाले लगभग सभी 800 जवान अनुभवी और मजबूत हैं। उन्हें ऐसा होना ही होगा अगर वो दुनिया के सबसे कड़े कमांडो कोर्सेज में से एक से जुड़ना चाहते हैं तो। मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ है? उधर क्यों रख रखे? इसी साल लगाओ ना मेडिकल सर्टिफिकेट। जैन सर, सीसी के लिए रिपोर्ट करने आया हूँ। आपने एसआरटीसी में रिपोर्ट करना है? ठीक है सर। सामान अपना लगेज गाड़ी में रखना है और बस में बैठना है आपने। स्क्रीनिंग का हफ्ता बहुत खास होता है। इस दौरान लगभग आधे उम्मीदवार बाहर कर दिए जाएंगे। वो 3 महीने के कमांडो कन्वर्जन कोर्स में दाखिल तक नहीं हो पाएंगे। जल्दी आइए फटाफट। तोमर किस्मत वाले रहे, पहले ही दिन उनका अपने साथियों से मिलना हुआ। आए तोमर। जय हिंद। कैसा संदीप? कैसा भाई? बस बढ़िया। जैन सर, मैं हूं मेजर तोमर। हाउ आर यू? बढ़िया सर। क्या हाल है भाई? हाय, मैं हूं मेजर तोमर। तू पहले से ही गंजा हो गया है? मैंने सोचा करा ही लेता हूँ जब। पॉलिंग का क्या सीन है सर? शाम का बता रहे हैं अभी तो, ऐसा टाइम तो बताया नहीं, लेकिन शाम का कह रहे हैं। पहला हफ्ता ही दिखा देता है कि एनएसजी में आना कितना कॉम्पिटिटिव होता है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का ट्रेनिंग सेंटर देश का एक प्रीमियम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ये उन कई प्रोबेशनर्स को ट्रेन करने के लिए बनाया गया है जो इंडियन आर्मी और तमाम सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में इंडक्शन के लिए जाते हैं। एनएसजी के फिजिकल स्टैंडर्ड्स तय होते हैं, इन्हें क्लियर करके ही आप एनएसजी का हिस्सा बन सकते हैं। सभी एक साथ। मैं सच कहूं तो मुझे पता नहीं था कि मैं ये कर पाऊंगा, लेकिन मैंने कर दिखाया। फिजिकल टेस्ट्स के साथ ही हथियार चलाने में भी माहिर होना जरूरी है। स्क्रीनिंग टेस्ट में मुझे इंसास दी गई और 25 मीटर दूर से इसे चलाया। स्क्रीनिंग टेस्ट में मैंने 3 सेंटीमीटर का ग्रुप बनाया था। तोमर ने अच्छे ग्रेड पाए। कोर्स से पहले एक फिल्ट्रेशन या एक स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाता है यहाँ पर, और बहुत से कमांडोस जो इसे ही पास नहीं कर पाते इस स्क्रीनिंग टेस्ट को, अफसोस हमें उन्हें वापस भेजना पड़ता है। एनएसजी वो फोर्स है जो खास तौर पर आतंकवाद का मुकाबला करती है हर तरीका इस्तेमाल करते हुए। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हेडक्वार्टर्स में सबसे सीनियर ऑफिसर होते हैं डायरेक्टर जनरल। एनएसजी इंडिया की एक प्रीमियर अर्बन एंटी टेरर फोर्स है, इसलिए हमें ऐसे ऑपरेशंस के लिए बुलाया जाता है जो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। एक एंटी टेरर फोर्स के नाते एनएसजी का मुख्य काम है आतंक से निपटना, हर तरह के आतंक से। इसलिए आमतौर पर हमें फोर्स की आखिरी उम्मीद के तौर पर बुलाया जाता है, और हम एक फेडरल कंटिंजेंसी फोर्स कहे जाते हैं, इसलिए हमसे ऐसे ऑपरेशंस की उम्मीद होती है जो बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हैं, जिनसे देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। मानेसर में एनएसजी कैंपस करीब 1600 एकड़ में फैला हुआ है। इसके बहुत सारे ट्रेनिंग ग्राउंड्स में आतंक का मुकाबला करने की तरकीबें सिखाई जाती हैं, उन्हें पक्का किया जाता है। नई सोच के ये कमांडोज उन ज्यादातर इक्विपमेंट्स के बिना ट्रेनिंग लेते हैं जो दूसरे कमांडोज इस्तेमाल करते हैं। जिन बिल्डिंग्स में दाखिल होने का कोई सीधा तरीका न बचे तो ये पार्कर तकनीक काम में लाते हैं। एनएसजी सिर्फ यहाँ मानेसर में ही बेस्ड नहीं है, इसके रीजनल हब्स पूरे देश में हैं। इंडिया में कहीं भी किसी भी अनहोनी से फौरन निपटा जा सकता है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड अलग अलग जगह होते हुए भी एक चुस्त दुरुस्त फोर्स है। एक हफ्ते का स्क्रीनिंग टेस्ट पूरा हो चुका है, बस आधे ही जवान कमांडो कन्वर्जन कोर्स के लिए क्वालिफाई हुए हैं। कैंडिडेट तोमर चुनिंदा जवानों में से एक हैं। ये अपनी पेरेंट यूनिट की यूनिफॉर्म्स पहनते हैं, अलग रंग और बैजेस दिखाते हैं कि एनएसजी में अलग अलग फोर्सेस के जवान आते हैं। एनएसजी में एक बहुत अच्छा मेल दिखता है बेस्ट एलिमेंट्स का, आर्मी, पैरामिलिट्री और पुलिस के। ये एक अनोखा एक्सपेरिमेंट है जिसमें तीनों का एक शानदार मेल है, और मुझे लगता है ये
इस ऑर्गेनाइजेशन की यूएसपी है। एनएसजी में एक एक पल कीमती होता है। एक छोटे से वेलकम एड्रेस के बाद जवान आगे बढ़ जाते हैं। ओपनिंग एड्रेस के बाद हमें वो सारे हथियार दिए गए जो हम इस्तेमाल करेंगे और जिनकी हमें ट्रेनिंग दी जाएगी इस ट्रेनिंग सेंटर में। काउंटर टेररिज्म फोर्स होने की वजह से एनएसजी में इस्तेमाल होने वाले हथियार दुनिया भर की बेस्ट स्पेशल फोर्स यूनिट्स की टक्कर के होते हैं। हम जानते थे कि ट्रेनिंग आज से शुरू होने वाली है और ये भी कि किसी खास तरह से हमारा वेलकम किया जाएगा। एनएसजी में कमांडो बनने के इच्छुक जवानों के लिए वेलकम के एक बिल्कुल ही अलग मायने होते हैं। एनएसजी वेटरन्स इसे कहते हैं आइस ब्रेकिंग, क्रॉलिंग, पुशअप्स। पता नहीं उन्होंने उस दिन हमसे क्या क्या करवाया, लेकिन वो सब मुझे याद है। 2-3 घंटे तक तो चला ही था। आइस ब्रेकिंग तो बस आने वाली चीजों की एक झलक भर है। यहाँ से आगे पूरे जुनून के साथ शुरू किया जाएगा कमांडो कन्वर्जन कोर्स। बाकी के 11 हफ्तों में तोमर और दूसरे ट्रेनीज के पूरे दमखम की परख होगी। आगे, आगे। एनएसजी को 3 मेन पिलर्स में बांटा गया है। काउंटर टेरर फोर्स में वो यूनिट हैं जो कैसे भी हालात में आतंकवाद से निपटती हैं। इनमें होते हैं काउंटर हाईजैक और होस्टेज रेस्क्यू मिशंस, जमीन, समुद्र या आसमान में। क्लोज प्रोटेक्शन फोर्स देश भर में चुनिंदा वीआईपीज की सुरक्षा करती है। तीसरा पिलर है स्टेट ऑफ द आर्ट बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड और नेशनल बॉम्ब डेटा सेंटर। एनएसजी के सभी ऑपरेशंस जोखिम भरे होते हैं। क्लोज प्रोटेक्शन फोर्स का काम भी ऐसा ही है। ये हाई रिस्क वीआईपीज को सुरक्षा देते हैं जिसमें वो खुद बेहद जोखिम में रहते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है बुलेट कैचर्स। ये बुलेट कैचर्स शब्द टीम की खुद को खतरे और प्रोटेक्टी के बीच में रखते हुए खतरे को बेअसर करने की शानदार काबिलियत से आया है, क्योंकि कमांडो की हिफाजत और सलामती हमारी प्रायोरिटी है। इसलिए हमारी टीम स्टेट ऑफ द आर्ट हथियारों, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट से लैस रहती है। हम लगातार अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने और आने वाले किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए एक कदम आगे रहने पर ध्यान देते हैं। क्लोज प्रोटेक्शन फोर्स कमांडोज अपने काम से जुड़े खतरों को बखूबी जानते हैं, इसलिए पक्का करते हैं कि हालात बेकाबू होने से पहले हर तरह के खतरे को दूर कर दें। ये जवान 12 हफ्ते का कड़ा कमांडो कन्वर्जन कोर्स झेल चुके हैं और अब एनएसजी के अलग अलग विभागों में इंडक्शन के लिए तैयार हैं। तोमर को प्रीमियर काउंटर टेरर यूनिट में से एक मिली है। इस यूनिट को 3 अशोक चक्र मिल चुके हैं। ये पीस टाइम का सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड होता है, इसलिए मैंने इसे चुना और किस्मत से ये मुझे मिल भी गया। आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आप लोग यहाँ पर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग के लिए आए हैं। काउंटर टेररिज्म यूनिट ट्रेनिंग के आने वाले 6 हफ्ते गुजरे 3 हफ्तों को बाएं हाथ का खेल जैसा साबित कर देंगे। अभी आप एक स्पेशलिस्ट यूनिट में आ रहे हैं। इस देश का इलीट काउंटर टेरर यूनिट है। हमारा इतिहास खून से लिखा हुआ है और आज इस ट्रेनिंग करने के बाद जब आप ब्लैक इन होंगे तो आप उस विरासत, उस लेगेसी के कस्टडियन होंगे। इसके लिए आप लोगों से एक्सपेक्टेशन है कि आप यहाँ पर आपके दाएं बैठे हुए उस्ताद जो सिखाएंगे उसको बहुत लगन से, बहुत मेहनत से सीखेंगे। जैन सर, जैन तोमर, अंदर आ जाओ। इस ट्रेनिंग ऑफिसर और उनकी टीम पर अगले 6 हफ्तों में इनके इंडक्शन का दारोमदार है। ट्रेनिंग सेंटर में कैसा परफॉर्म कर रहे हो? मैंने बढ़िया परफॉर्म किया सर, और अपने सारे टेस्ट्स में एक्सेलेंट हासिल किया। एक्सेलेंट सर, तो उम्मीद है आपको पता है कि यहाँ के स्टैंडर्ड्स बहुत अलग हैं और बहुत ऊंचे भी। फिजिकल एक्सर्शन का लेवल यहाँ बहुत ज्यादा होता है। यहाँ आपको मुश्किल सिचुएशंस में टेस्ट किया जाएगा सर। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। ठीक है बड़ी, मार्च ऑफ। जय हिंद। जय हिंद। काउंटर टेरर यूनिट में सिखाए जाने वाले शुरुआती सबक में है किसी इंटरवेंशन टीम का हिस्सा कैसे बनते हैं। दोनों आँख खोल के ऐसे।
हर टीम में करीब 6 मेंबर्स होते हैं, सब तालमेल से काम करते हैं। किसी भी काउंटर टेरर फोर्स का पहला बिल्डिंग ब्लॉक होती है एक इंटरवेंशन टीम। हर मेंबर किसी खास हुनर में माहिर होता है, बाकी हुनर के साथ ही इनमें हैं डिमोलिशंस, कम्युनिकेशंस, मेडिसिन, स्नाइपर मार्क्समैनशिप के हुनर। आमतौर पर इनकी मदद के लिए एनएसजी K9 स्क्वाड से एक डॉग और हैंडलर भी साथ रहता है। हर टीम मेंबर बैटल में 20 केजी से ज्यादा भारी किट और प्रोटेक्टिव गियर लेकर चलता है। पहले हफ्ते में इंडक्टीज से कई तरह की इंटरवेंशन सिमुलेशन ड्रिल कराई जाती हैं। उनके ट्रेनिंग ऑफिसर उनकी हर हरकत पर बारीक नजर रखते हैं। हर मोड़ पर नए सरप्राइजेस पेश किए जाते हैं। एक नई चुनौती है टीयर गैस कैन। टीयर गैस आंखों में तेज जलन पैदा करती है और स्किन के जलने जैसा एहसास होता है। इन सब लोगों ने बहुत अच्छा किया, सच मानिए। इनमें से अभी तक कोई भागा नहीं। मैं कहूंगा कि इस पूरे ग्रुप में ही बहुत जोश भरा है। उसी दोपहर आगे उनके ट्रेनिंग ऑफिसर ने तोमर के लिए एक टीयर गैस कैन खोला। तोमर ने पहली बार वैसा कोई हथियार थामा था, लेकिन यह आखिरी बार नहीं होने वाला था। एनएसजी ट्रेनिंग पूरी मशक्कत मांगती है और ऐसा सिर्फ दो पैरों वाले कमांडोज के लिए नहीं है। यहां 4 पैरों वाला भी एक पूरा कंटीजेंट है, K9 डॉग स्क्वाड। एनएसजी सोल्जर्स को ब्लैक कैट कमांडोज कहते हैं। यहां ब्लैक कैट्स और डॉग्स की पार्टनरशिप होती है। K9 कमांडो गूगल को लगता है कि वो दो पैरों पर चलने वाले अपने हैंडलर जितना ही माहिर है। गूगल एक हाईली ट्रेन्ड स्निफर डॉग है। इसका काम है एयरक्राफ्ट के ओवरहेड लगेज रैक में विस्फोटकों का पता लगाना। लेकिन ऑपरेशंस में जाते वक्त एनएसजी की पहली पसंद होता है ये बेल्जियन मेलिनवा। ये है द्रोना K9 डॉग स्क्वाड का स्टार कमांडो। एक्शन में द्रोना पहला कमांडो होता है। आज द्रोना K9 स्क्वाड में सीनियर है और इंसानों की तरह अपनी कमांडो स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। टीम डॉग के पहने K9 विजुअल सिस्टम्स के भरोसे रहती है। गॉगल्स हैंडलर को वो नजारे दिखाते हैं जो द्रोना देखता है। हैंडलर द्रोना के कान में लगी एक डिवाइस के जरिए उससे बोलता है। इस दूसरी एक्सरसाइज में द्रोना अपने हैंडलर की नजरों से दूर जाएगा, करीब 1 किलोमीटर दूर मौजूद एक टारगेट को दबोचने के लिए। द्रोना फुल पैकेज है एनएसजी के सबसे शानदार हथियारों के बीच। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के दूर तक फैले ट्रेनिंग ग्राउंड्स में कमांडोज काउंटर टेररिज्म टैक्टिक्स को निखारते हैं। इंडिया में सिर्फ एनएसजी के पास है काउंटर हाईजैक फोर्स। इनके कमांडोज कैंपस में मौजूद एयरक्राफ्ट के साथ हाईजैक के हालात की प्रैक्टिस करते हैं।
टाइमिंग सबसे अहम है। FIT मूव, MIT मूव, रोजर ओवर। असल ऑपरेशन में ये जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता है। MIT गो। कामयाबी मिलती है बेहद सटीक तालमेल से, वही सबसे अहम है। एयरलाइन हाईजैकिंग के साथ ही आसमान से कई और खतरे भी आ सकते हैं। ड्रोन्स हवाई सफर में अड़चन डाल सकते हैं। ये नारकोटिक्स और विस्फोटक भी डिलीवर कर सकते हैं, या किसी हमले या सर्वेलेंस में मदद कर सकते हैं। 81 ड्रोन इन रेंज, 81 एंगेज। ऐसी हरकतों से निपटने के लिए NSG के पास कमांडोज और इक्विपमेंट दोनों हैं। ड्रोन किलर वेपन सिस्टम गोलियां नहीं दागता, बल्कि ये इनविजिबल रेडियो वेव्स छोड़ता है। ये कई तरह के अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को बेअसर कर देता है। NSG के सीनियर ऑफिसर्स फोर्स की तकनीकी तैयारी पर लगातार नजर बनाए रखते हैं। ये पक्का करते हैं कि काउंटर टेरर एक्टिविटीज के लिए सही किट साथ में हो। NSG ऐसे ऑपरेशंस करता है जिनमें खास तरह के हथियार, खास इक्विपमेंट और खास प्रोटेक्टिव गियर चाहिए होते हैं। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि हम अपने इक्विपमेंट को लगातार अपडेट करते रहें। आज NSG तमाम तरह के हालात के लिहाज से पूरी तरह से लैस और तैयार है। खास तो हमेशा मशीन के पीछे मौजूद इंसान ही होता है, लेकिन इक्विपमेंट भी बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। एक नैनो सेकंड जितना फर्क भी जंग के दौरान जिंदगी और मौत का फैसला कर सकती है। तो कमांडो के पास सबसे बेहतरीन इक्विपमेंट हो तो ऑपरेशन में उनकी कामयाबी के आसार बढ़ जाते हैं, उनकी हिम्मत बढ़ जाती है, लड़ने की उनकी काबिलियत बहुत बढ़ जाती है। इसलिए जब वो लड़ने जाते हैं तो उनके पास जरूरत की हर चीज रहनी चाहिए, उन्हें कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। NSG काउंटर टेररिज्म फोर्स में इंडक्शन ट्रेनिंग पूरे जोरों पर है। ट्रेनर्स पसीना सूखने नहीं दे रहे। इस एक्सरसाइज का मकसद था आपका फिजिकल और मेंटल दोनों टेस्ट लेना। इंडक्टीज के सामने पहली चुनौती है 48 घंटे के फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस से गुजरना, वो भी बिना रुके। उन्हें पूरे दिन कई तरह के टास्क दिए गए, यहाँ तक कि वो पूरी रात हरकत में रहे। अगली सुबह जवानों को बिना सोए 24 घंटे बीत चुके थे, उन्हें अभी 24 घंटे और हरकत में रहना था। थके होने के बावजूद मेरे अंदर हमारे अगले टास्क को लेकर जोश था, स्नाइपर राइफल फायर करना। लेकिन हमारे ट्रेनर्स को हमें तनाव में रखना था, इसलिए हमारे फायर करने से पहले उन्होंने हमसे 30 नकल पुशअप्स कराए। खड़े हो जाइए। मैं जिंदगी में पहली बार एक स्नाइपर राइफल चलाने वाला था। रिटेन लाइन पोजीशन। मैं चाहता था निशाना ठीक लगे। टेल भर। लेकिन पुशअप्स के बाद मेरी सांस अब भी फूली हुई थी। हाथ थोड़ा भी हिला तो निशाना नहीं लगेगा और टारगेट्स काफी दूर होते हैं। यहां पर हमारा टारगेट था 400 मीटर की दूरी पर। मैं बहुत ही खुश हुआ, मुझे लगा मैंने कुछ हासिल किया है। लेकिन सच कहूं तो उस वक्त दिमाग में तनाव से भरे आगे के 23 घंटे ही थे जो आने वाले थे। NSG के आर्सेनल में स्नाइपर्स बहुत अहम हैं। कमांडो हाईली ट्रेन्ड मार्क्समैन होते हैं जो बेहद दूर के टारगेट्स पर निशाना साध सकते हैं। कभी कभी तो 1 किलोमीटर दूर तक का निशाना भेद देते हैं। NSG में स्टेट ऑफ द आर्ट शूटिंग रेंजेस कमांडोज को अचूक निशानेबाज बना देती हैं।
एनएसजी में टारगेट्स का मतलब है किसी होस्टेज के पीछे छुपा आतंकवादी। हैरानी की बात नहीं कि एनएसजी को जीरो एरर फोर्स कहा जाता है। इस बीच इंडक्टीज 48 घंटे के स्ट्रेस टेस्ट से गुजरना जारी रखे हुए हैं। आप आगे चले जाओ, आगे चले। दूसरे दिन की दोपहर से पहले वो 40 डिग्री से ज्यादा के तापमान में टायर्स को पलट रहे हैं। मुझे याद नहीं उस टायर का वजन कितना था, लेकिन रात भर जागने के बाद करीब 800 मीटर तक उसे पलटते जाने में जान निकल गई। बदली करो साहब की बदली, साहब आप आगे हो जाओ। ये सोचकर और पसीना आ रहा था कि अभी 20 घंटे की कसरत और है। आगे निकलो, आगे निकलो। लेकिन ऐसे पलों में सबसे अच्छा होता है कि अगले टास्क पर ध्यान दिया जाए, न कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया जाए। शाम होने पर जवानों को एक छोटा सा ब्रेक दिया गया। ट्रेनिंग के दौरान बॉडी को फिट रखना जरूरी है, और मुझे लगता है आपको पैरों का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि होता यह है कि 90% वक्त तो हम शूज पहनकर ही ट्रेनिंग करते हैं, तो अंदर जाने वाला पसीना और धूल पैरों में कोई दिक्कत पैदा कर सकती है। इसलिए जब भी मौका मिलता है मैं शूज उतार कर सॉक्स बदलता हूँ और पैर धो लेता हूँ। इंसान की बॉडी किसी जादू से कम नहीं, इसे हद तक ले जाकर हैरतअंगेज काम किए जा सकते हैं। दूसरी रात तक हम बहुत थक चुके थे, लेकिन तब भी सब पूरी कोशिश कर रहे थे। सच कहूं तो दिमाग में वो यादें रह रहकर उभरती हैं। ज्यादातर चीजें तो याद ही नहीं रही। जी सर, तुम्हें पीछे नहीं हटना है। ये जरूर याद है कि हमारे ट्रेनर्स ने हालात को एकदम असली जैसा बनाए रखा था। ये अजीब था लेकिन असलियत के बहुत करीब था, क्योंकि अगर वैसा सच में होता तो सब कुछ ऐसा ही होता। जो ड्रिल्स बनती हैं वो ऑन ग्राउंड बनती हैं, जो सिनेरियोस बनते हैं वो ऑन ग्राउंड बनते हैं, तो जितनी आप लोग प्रैक्टिस करोगे सिचुएशन संभालने में उतने ही बेहतर बनते जाओगे। तो भी आप लोग ब्रेक करोगे, फिर डिनर करोगे, फिर उसके बाद आपके रात के आदेश दे दिए जाएंगे। क्लियर है सर? भाई सब खुश हैं सर? अगर आप ऐसे हालात में होते हैं तो ऐसे ख्याल आपको दिमाग में आ ही जाते हैं। आपका ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, लिमिट कितनी है, हार मान गए? मुझे लगता है एक कमांडो बनने के लिए जरूरी है कि इन ख्यालों को दूर रखा जाए ताकि आप एक फाइटर बन सकें। अब हम इन्हें उस फेज से गुजारेंगे जिसे कहते हैं स्ट्रेस आवर्स। मेन मकसद होता है इनको सोने ना देना। इनको जो भी थोड़ा बहुत वक्त मिलता है उसमें ये अपना डिनर कर सकते हैं, थोड़ा सुस्ता सकते हैं। इस टाइम में वो चाहें तो आराम कर सकते हैं या 5-10 मिनट की नींद ले सकते हैं। कौन सो रहा दीवार के आड़ में? ऐसे पलों में मुझे अपनी फैमिली की याद आती है। मेरी बहन, उसका पहला बच्चा हुआ है जिसे मैंने अभी तक नहीं देखा, और मेरी बाइक, बाइक की बहुत याद आती है। काश मेरी बाइक यहाँ होती और हमारे पास थोड़ा फ्री टाइम होता जिससे मैं बाइक राइड के लिए जा पाता। थोड़ा सा मजा तो हो ही जाता हमारे लिए। बाइक को मिस करता हूँ मैं। भोर में 3 बजे से एक्सरसाइजेस फिर से शुरू हो जाती हैं। आज सीपीटी पास हो जाएंगे सारे? अगर आज सीपीटी पास हो गए तो आज ब्रेक। 47 घंटे का स्ट्रेस पार हुआ, 1 घंटा और बचा है फिजिकल ट्रेनिंग का, पूरा 1 घंटा। किसी तरह बॉडी में बची ताकत से काम चलाते हैं, घुटने टेकने की नहीं सोचते, बस टास्क पूरा करने की सोचते हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने ऑपरेशंस में खुद को साबित किया है, लगातार बार बार। कामयाबी की ये राह आसान नहीं रही है। देश हम पर भरोसा कर सकता है,
क्योंकि जब भी एनएसजी को तलब किया गया है हमने कामयाबी दिलाई है, और जरूरत पड़ने पर एनएसजी फुर्ती से मौके पर पहुंचकर पूरी ताकत से सर्जिकल पंच लगाएगी। एनएसजी का पूरा ओरिएंटेशन हर वक्त तैयार रहने को लेकर होता है। इस वक्त भी इस देश में ऐसी 8 टीमें हैं जो 30 मिनट से कम वक्त में हरकत में आ सकती हैं। इसलिए एनएसजी का विजन है वर्ल्ड क्लास होना, क्योंकि एक जीरो एरर फोर्स कभी चूकती नहीं है। एनएसजी काउंटर टेरर फोर्स यूनिट इंडक्शन ट्रेनिंग के बस 2 हफ्ते और बचे हैं, लेकिन अब भी चढ़ने को कई पहाड़ हैं। ये बेसिकली रॉक क्राफ्ट है। ये जो सामने नेचुरल वॉल फेसेस हैं, ये करीब 100 से 120 फीट ऊंचे हैं। तो ये जवानों को एक नेचुरल फील देता है इस रॉक क्राफ्ट पर प्रैक्टिस करने की। कमांडो ट्रेनिंग लेने की इच्छा होने की वजहों में से एक वो तमाम स्किल्स हैं जो हम एनएसजी में सीखते हैं। मैं पहले क्लाइंबिंग कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ की कंडीशन अलग है। दोपहर से पहले पारा 40 पर पहुंच चुका था। मैंने पाव पूछ, करो, पाव से पूछ, हाँ, हाथ आगे करो, हाथ आगे करो, हाँ। जून की गर्मी और जबरदस्त उमस। गरम करो इनको, इन सब की आवाजें निकल रही हैं, गरम करो इनको। 31, 32, 33। तो हम इसे कहते हैं टोल टैक्स, जिसमें ये 100-200 पुशअप्स करते हैं या थोड़े स्टार जंप्स करते हैं। मोटिव होता है टास्क से पहले इनको थकाना। हम देखते हैं कि बॉडी के थकने के बाद वो टास्क को किस खूबी के साथ पूरा करते हैं, और इसीलिए हम उनसे इतनी मेहनत करवाते हैं। मेजर प्रशांत सिंह तोमर, रेडी फॉर ट्रैवर्सिंग सर। वो टोल टैक्स का टास्क मुश्किल था। एक्सरसाइज के बीच में अचानक लगता है जैसे हाथों में दम नहीं बचा, लेकिन बीच में लटके हों तो कोई रास्ता नहीं बचता, दूसरी तरफ तो पहुंचना ही होता है। चलो छोड़ो हाथ, चलाओ कमांडो, जरा कमांडो छोड़ दो, कमांडो। आप देख सकते हैं ये टास्क कितने दम निकालने वाले होते हैं। उसके फेस से दिखता है कि वो थका हुआ है बेचारा, गॉड नोज अब तक कितने पुशअप्स कर चुका होगा। और बॉडी के थकने के बाद जब उनसे टास्क करवाया जाता है, तब बनता है एक ब्लैक कैट। तोमर मजा नहीं आया दोस्त। एनएसजी में कई यूनिट्स हैं, इनमें बॉम्ब स्क्वाड एक खास यूनिट है। इस पर देश में बम विस्फोट की तमाम घटनाओं की मॉनिटरिंग, रिकॉर्डिंग और जांच की जिम्मेदारी होती है। बॉम्ब स्क्वाड कमांडोज का काम मुश्किल होता है। हालांकि वो प्रोटेक्टिव सूट पहनते हैं, पर किसी विस्फोटक के पास जाना कोई आसान बात नहीं है। उन्हें विस्फोटक को खुद उठाकर कंटेनमेंट चैम्बर में रखना होता है। रोबोट्स खतरे को कम कर देते हैं। रिमोट ऑपरेटर्स इन व्हीकल्स को 1 किलोमीटर दूर तक ले जा सकते हैं। सीधा जाना, राइट मोड़ते ही दरवाजा, पहले दरवाजे के अंदर आईडी है। ऑनबोर्ड कैमरास, रिकॉनिसेंस और इंटरवेंशन दोनों को मुमकिन बनाते हैं। व्हीकल भले ही छोटा है, लेकिन इसमें ताकत जबरदस्त है। फायर। जून खत्म होने को है। इंडक्शन प्रोसेस का 5वां हफ्ता चल रहा है और जवान आखिरी बाधा तक पहुंच चुके हैं। आज सुबह से ही बादल आए हुए थे, इसलिए बारिश भी हो गई, क्योंकि पिछले 3 दिन से इतना ज्यादा ह्यूमिड, इतनी ज्यादा गर्मी, मौसम इतना खराब रहा है कि अच्छा हुआ आज बारिश हो गई। इंस्ट्रक्टर्स ने सबसे मुश्किल टास्क
अंत के लिए बचाकर रखा है। सर्किट पूरा करने में कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगेंगे, क्योंकि वो चलकर नहीं, इसे रेंगकर पूरा करने वाले हैं, और हम देखेंगे कि वो एक टीम के नाते कैसा परफॉर्म करेंगे। एनएसजी में आने वाले ट्रेनी से हमें उम्मीद होती है बहुत ऊंचे दर्जे की फिजिकल फिटनेस की और बहुत ऊंचे दर्जे के फायरिंग स्किल्स की। तो हम उन्हें उनके एनएसजी में आने के वक्त से 2-3 पायदान तक ऊपर ले जाते हैं। इससे आखिर में हमें बहुत ही एफिशिएंट कमांडो हासिल होता है जो ड्यूटी के दौरान हर चैलेंज को पार कर सकता है। तोमर और उनकी टीम का सामना उस दिन जिस चुनौती से हुआ था वो उसे कभी भूल नहीं पाएंगे। होली चेंबर नाम की वो ऐसी बाधा थी जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं झेली थी। इसमें धुएं से भरा एक छोटा सा कमरा था। जवानों को अपनी सांसें रोककर अंदर जाना था। अंदर एक बॉक्स है, आपको वो बॉक्स लेकर आना है। उस बॉक्स में एक की है, आप उस बॉक्स को बाहर लाएंगे, उसके अंदर एक मैप है और वही आपको अगले टारगेट तक लेके जाएगा। पता नहीं कैसे बताऊं मैं, दिमाग में 100 चीजें चल रही होती हैं, कुछ दिखाई नहीं देता। सांस रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन धुआं अंदर जाता रहता है और कहीं नहीं जा सकते, उससे लड़ना होता है। चैम्बर में घुसे कोई चमक नहीं रहता, मतलब जैसे अंदर हुए तो घुटन होती थी, सांस नहीं आता था, जान निकल रही थी गले से नीचे, मतलब इधर बिल्कुल ब्लॉक हो गया, सांस गया नहीं। मैं धरती को मतलब जमीन को पीट रहा था, नखूनों से जमीन को पाट रहा था मैं। बॉक्स को ढूंढ कर लाने की टीम की पहली कोशिश बेकार गई, जिसका एक ही मतलब था, दोबारा कोशिश करो। ये कुछ नहीं बस केओस है, और उसी केओस में आपको अपना दिमाग शांत रखना होता है। बॉक्स को ढूंढना अब तक का सबसे मुश्किल टास्क था। उसके बाद तो लगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हम 6 लोगों का कोई मुकाबला नहीं था। हमने एनएसजी की दी हुई हर मुश्किल को पार किया, अब हमें कोई नहीं रोक सकता था। कमांडो क्या होता है, फिजिकली मेंटली बंदा इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि उसमें कितना ही प्रेशर आ जाओ वो अपना काम करेगा, तो जिस मुद्दे के लिए उसको भेजा जा रहा है जो काम टास्क मिला है ना पूरा करेगा, वो टास्क पूरा करेगा। मेरे लिए बहुत ही फक्र की बात है क्योंकि मैंने इनको पुश किया है इनकी हदों से पार, और ये जानने की कोशिश की कि ये कितना आगे जा सकते हैं। हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए लंबा सफर तय किया है, और उस दिन महसूस हुए दर्द और थकान के बावजूद हम जोश से भरे थे कि हम एनएसजी का हिस्सा बनने वाले हैं। हार्ड वर्क के बाद मतलब आज वो दिन आ गया, आज हम परसों ब्लैक कैट कमांडो बनेंगे, बहुत अच्छा फील होगा हमें भी, घर वालों को भी। ये बीते 5 हफ्ते एनएसजी के सबसे मुश्किल हफ्ते रहे, और मुझे लगता है कि जितना भी टाइम हम सब एनएसजी में यहाँ पर रहेंगे ये 6 के 6 बंदे हमेशा साथ रहेंगे। इंडक्शन पीरियड पूरा हुआ, 4.5 महीने की मुश्किलें खत्म हुई। अभी पता लग रहा ना हमारी हालत के।
ये ब्लैकनिंग सेरेमनी की सुबह है। थोड़ी देर बाद तोमर और दूसरे जवान एनएसजी की काउंटर टेरर फोर्स में अपनी जगह लेंगे। ब्लैक पहनना एक बहुत ही गजब का एहसास था। ये कहना गलत होगा कि मुझे यकीन था कि मैं एक एनएसजी कमांडो बन जाऊंगा, लेकिन मैंने कर दिखाया। आप सभी का सीसी 118 के बलिदान परेड में हार्दिक अभिनंदन है। अब मैं ग्रुप कमांडर महोदय से निवेदन करता हूं कि इन बहादुर कमांडोस को पुरस्कार देकर इनकी हौसला अफजाई करें। बेस्ट हिट एक्सरसाइज अजय, मेजर प्रसन्नजीत तोमर। हमें बेस्ट इंटरवेंशन टीम का अवार्ड मिला। उन सारी मुश्किलों के बाद यह अवार्ड पाकर अच्छा लगा, बहुत अच्छा। 5 हफ्ते खत्म हो गए हैं, अब मैं इनके लिए डेविल नहीं हूँ। मैंने अपना काम कर दिया है, अब मैं इनका भाई हूँ, ब्रदर इन आर्म्स। और आखिरकार चेस्ट पर पंच के साथ तोमर को बलिदान बैच दिया गया। वेलकम तोमर। जो कि ब्लैक कैट कमांडो का इंसिग्निया है। सेरेमनी के बाद हमें पहली बार ऑफिसर्स मेस में ले जाया गया। और उसके बाद जो हुआ मैं वो जिंदगी भर नहीं भूल सकता। जिस जगह आप बैठे हैं इसे हम कहते हैं क्रेडल ऑफ सेक्रीफाइस। आप अपने आसपास देखेंगे तो आप पाएंगे वो गोलियों के निशान जो हमें मिले ताज होटल मुंबई से। जिस चेयर पर आप लोग अभी बैठे हुए हैं यह है पाम लाउंज से ताज होटल की। ये वही जगह है जहां मेजर उन्नी कृष्णन ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। तो इस पर बैठते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम एक लेगेसी को गार्ड कर रहे हैं, एक ऑफिसर और लीडर की तरह। मेजर उन्नी कृष्णन ने जो किया वो हमारी लीडरशिप को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। अपने सपने को सच बनाकर एनएसजी कमांडोज बनने वाले जवानों के लिए इंडक्शन तो बस पहला कदम है। उन्हें अब उन स्टैंडर्ड्स तक पहुंचना होगा जो उनसे पहले के वीरों ने सेट किए हैं। अपनी शुरुआत के बाद बीते करीब 40 साल में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने बलिदान और खून देकर शोहरत हासिल की है। अपनी जान कुर्बान करने वाले जवान हर रोज प्रेरणा देते हैं। ये देश हमेशा उन्हें याद रखेगा, उनकी वीरता हमेशा याद रखी जाएगी, देश उनका हमेशा आभारी रहेगा।